बुरहानपुर के गांधी चौक में वनों की अवैध कटाई रोकने और वन संपदा को बचाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे शिवसेना इंदौर संभाग प्रमुख आशीष शर्मा ने जिला प्रशासन के लिखित आश्वासन पर अनशन खत्म कर दी है। शनिवार को कलेक्टर और एसडीएम ने आशीष शर्मा को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाई। बुरहानपुर जिले में लकड़ी तस्कर माफिया वनों की अवैध कटाई कर वन संपदा को खत्म कर रहे हैं, जिसकी शिवसेना नेता ने प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आशीष शर्मा गांधी चौक में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंचे कलेक्टर राजेश कोल ने वन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया और आशीष शर्मा को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त किया। माननीय कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन के मुखिया, राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने मुझे यहाँ वन मंत्री से भाई उमंग सिंघार और बुरहानपुर जिला प्रभारी मंत्री भाई तुलसीराम सुलावड़ जी से मेरी चर्चा करवाई फ़ोन पे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि आप अनशन तोड़ दो, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरा एक ही उसमें अनुरोध था कि जो मैं जिस मांग को लेकर बैठा हूँ, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में ठोस कार्रवाई चाहिए। तो जिला प्रभारी मंत्री और वन मंत्री के बिहाफ पर जिला कलेक्टर और वन मंडल के अधिकारी एसडीओ जो चुकी हैं उपस्थित है, डीओपो या नहीं है भोपाल है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में डीओपो के एसडीओ ने ये मुझे लिखित में यहाँ पे कागज़ दे के यहाँ पे आश्वस्त तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मुझे यहाँ पे विश्वास दिलाया है कि वो जिस मांग को लेके मैं लड़ रहा हूँ उसमें इसमें उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि हम ज़मीनी स्तर पे उस कार्य को करेंगे वन संपदा को बचाने के लिए, जो भूमाफिया अतिक्रमणकारी हैं, आदिवासियों के कथित हित लाभ के नाम पर यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, उनको यहाँ से खदेड़ेंगे और जो 30% जंगल बचा है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, ताकि बुरहानपुर ज़िले का हर व्यक्ति मानस अपने जीवन को सुरक्षित जी सके। अन्यथा आने वाले समय में यह जो 30% जंगल है वो भी अगर बर्बाद हो जाता है तो हम यहाँ पे सांस लेने के लिए तरस जाएंगे, पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। देखिए आशीष शर्मा जी, वन कटाई के विरुद्ध में आमरण अनशन कर रहे थे विगत 4 दिनों से, और हमने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो इस आश्वासन पर उन्होंने अपनी सहमति देते हुए आमरण अनशन जो है वो समाप्त कर दिया। वन मंत्री से बात हुई, मंत्री और प्रभारी मंत्री से भी बात हुई जी, उस पश्चात उन्होंने ये आमरण अनशन समाप्त किया। सर, क्या लिखित में क्या दिया गया उनको? यही जो मैंने आपको बताया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि प्रशासन बेखौफ वन माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, या फिर कुछ दिनों बाद इसे ठंडे बस्ते में डालकर इतिश्री कर दिया जाता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से तोताराम खंडेराव की रिपोर्ट।